नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वाहिद भट्ट है और अभी हम इस ट्रिप के दौरान हम लोग करगिल में रुके हैं। और करगिल में जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ पे हमने जानने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, उससे हमें यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली कि यहाँ पे पानी की जो है सबसे ज़्यादा किल्लत है। ख़ासतौर पे जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये पुलिस कॉलोनी का इलाका है करगिल का, जहाँ पे आप पूरे इलाके को देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से ड्राइनेस है, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है और यहाँ के लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे चारों साइड पहाड़ है, उस पहाड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, जिससे यहाँ के जो है ग्लेशियर्स हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी लाना पड़ता है और उनको पानी खरीदना पड़ता है। साथ में अगर उनको पीने के पानी की बात करें या उन्हें जो आए रोज़ ज़रूरत होता है, चाहे फिर कपड़ों की बात करें या दूसरे अशियाओं की बात करें, तो उन्हें वो पानी भी ख़रीदना पड़ता है, ख़ासतौर पे जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे। और इस हिसाब जाहिर होता है कि किस तरीके से जो लोग हैं पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं। ख़ासतौर पर यहाँ हमने देखा, ख़ासतौर पर लद्दाख, करगिल और लेह की बात करें, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है। साथ में जब आप यहाँ के पहाड़ों को देखते हैं तो वो अब पूरी तरीके से मुर्दा है। खासतौर पे विंटर की जब बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -20 चला जाता है, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वहाँ पे -30 तक चला जाता है, लेकिन उस टेम्परेचर में भी यहाँ के लोगों को दिक्कत खाली पानी की होती है। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं।